दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और टेस्ट करने वाले हैं जेनको लैबवेल माइक्रोस्कोप। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का एक माइक्रोस्कोप है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस माइक्रोस्कोप को मैंने खरीदा था अमेजोन से। ये रहा अमेजोन और इसे मैंने खरीदा था 5 दिसंबर को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मॉडल नंबर है GS701 नो सिंगल लेंस कंपाउंड बेबी माइक्रोस्कोप और इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1669 है। आप अगर इस माइक्रोस्कोप को खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इस माइक्रोस्कोप को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। बहुत ही सिंपल पैकिंग है इसकी, आप देख सकते हो सिर्फ एक कार्डबोर्ड में पैक किया हुआ है इस माइक्रोस्कोप को इन लोगों ने। तो इसे मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। अंदर से एक और पैकिंग है थर्माकोल की, ताकि हमारा माइक्रोस्कोप सेफ रह सके। तो इसे निकाल लेते हैं इसके अंदर से बाहर। इसे भी निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। टेप हटा देता हूँ मैं पहले इसका। गाइस, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो यह है हमारा माइक्रोस्कोप। काफी ज्यादा वजनदार है गाइस, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ लगता है वो। तो इसे भी रख देते हैं साइड में। तो ये कुछ इनका कार्ड है इसके अंदर, GS इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया माइक्रोस्कोप है गाइस। तो ये रहा इसका आई पीस, इसे भी रख देते हैं साइड में। और कुछ है इसके अंदर, इसके अंदर लगता है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है हमारे माइक्रोस्कोप के लेंस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो इसे भी रख देते हैं साइड में। माइक्रोस्कोप के ऊपर से कवर हटा लेते हैं जल्दी से। देख सकते हो गाइस, बड़ी कमाल की चीज है ये। वाह भाई। तो यहां से इसका आई पीस लगाने के लिए, तो इसे हटा देते हैं साइड में। इसके ऊपर एक कैप है, इस कैप को निकाल देता हूं मैं यहां से। तो इसके अंदर हमें एक आई पीस लगाना होता है। ये रहा इसका आई पीस। तो यहां से हम इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोप को। यहां पर है इसका लेंस 10x। इसके साथ हमें एक स्लाइड भी मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रखी हुई है स्लाइड, पूरी तरीके से ग्लास वाली स्लाइड है। तो इसे ध्यान से रख देता हूँ मैं नीचे। यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो गाइस, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो नीचे देख सकते हो, काफी ज्यादा मस्त क्वालिटी लगी मुझे इस माइक्रोस्कोप की। मेरे पास एक और माइक्रोस्कोप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा गाइस, ये एक चीप माइक्रोस्कोप है, इसे भी मैंने अमेजोन से ही परचेस किया था 700 रुपीज में। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हो। गाइस, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। मैं इन दोनों ही माइक्रोस्कोप को आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ, दोनों में से कौन सा माइक्रोस्कोप आपको खरीदना चाहिए। तो पहले हम इसका आई पीस लगा लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सा वाला आईपीस मिला है। यह है 10x वाला आईपीस। तो इसके अंदर हमें इस तरह से लगाना होता है। यहां पर 10x है और नीचे भी देख सकते हो आप, यहां पर 10x है, यानी कि 10x 1000, यानी कि ये माइक्रोस्कोप कोई भी चीज को 100 गुना तक बड़ा करके बता सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ये वाला माइक्रोस्कोप भी बता देता हूं। ये एक चाइनीज माइक्रोस्कोप है, हालांकि बहुत ही चीप क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है गाइस। तो इसे भी निकाल लेते हैं यहां से। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो गाइस, पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ही हल्का है यार। यहां से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरह से। मुझे तो माइक्रोस्कोप काफी चीप क्वालिटी का लगता है गाइस, ज्यादा दिन तक इस तरह के माइक्रोस्कोप चल नहीं पाते हैं। तो इसके साथ हमें देख सकते हो सैंपल कलेक्ट करने के लिए 2 बॉटल्स मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो हमें 5 स्लाइड्स भी मिल जाती है, एक स्लाइड प्रिपेयर होकर आती है ऑलरेडी। इन दोनों ही माइक्रोस्कोप का मैं आपको साइज कंपेरिजन बता देता हूँ। देख सकते हो गाइस, ये कितना ज्यादा बड़ा है, देखने में भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का माइक्रोस्कोप दिखता है।
ये बहुत ही चीप क्वालिटी का माइक्रोस्कोप दिखता है, देख सकते हो गाइस। इसमें का आधा बराबर भी नहीं है ये वाला माइक्रोस्कोप। तो चलिए दोस्तों, अभी इसके अंदर कुछ मैं आपको सैंपल भी टेस्ट करके बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्लाइड है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर सारे धागे लगे हुए हैं। ये स्लाइड मुझे चाइनीज माइक्रोस्कोप के साथ मिली थी। इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसे हमें लगाना होता है यहाँ पर, इसे लगा देता हूं मैं। तरह से लगाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसे लगा दिया है मैंने। अभी मैं इस आई पीस के अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस, देखते हैं दिख पाता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर बहुत मुश्किल होता है यार माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर से इस तरह फोन यूज करके दिखाना। तो और कुछ स्लाइड्स भी मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा सैंपल टेस्ट करने के लिए, ये एक लीफ है। तो इसे इस माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखते हैं ये कितना ज्यादा मैग्नीफाइंग कर सकता है इस लीफ को। तो ये रहा लीफ, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है गाइस देखने में। आप अगर अपनी आंख से डायरेक्ट देखोगे तो बड़ा ही मजा आता है यार, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती है इस माइक्रोस्कोप के अंदर से, क्या ही बताऊं मैं। और एक सैंपल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लीफ देख सकते हो कितना ज्यादा जबरदस्त नजर आ रहा है इसके अंदर। तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने अभी एक चींटी को रखा है। ओ माई गॉड गाइस, आप देख सकते हो ये तो कोई दूसरी दुनिया का जीव नजर आ रहा है यार इस माइक्रोस्कोप में से देखने पर। वाओ, यहाँ पर एक चींटी रखा है मैंने। बड़ा ही कमाल का माइक्रोस्कोप लगा गाइस मुझे ये। तो इन दोनों माइक्रोस्कोप का मैं आपको वेट भी करके बता देता हूँ। ये रही हमारी वेट मशीन, तो इसे ऑन कर देते हैं। तो पहले मैं ये सस्ता वाला माइक्रोस्कोप यहाँ पर रख के बताऊंगा आपको। इसका वेट है 186 ग्राम्स। तो अभी हमारे ये वाले माइक्रोस्कोप को रख के देखते हैं इसके ऊपर। ओ माई गॉड गाइस, आप इसका वेट देख सकते हो, 953 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 1 kg का है ये वाला माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ 200 ग्राम का है, वाह यार। तो गाइस आपको ये माइक्रोस्कोप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इन दोनों ही माइक्रोस्कोप का बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप दोनों में से कौन सा भी माइक्रोस्कोप बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। गाइस कल मैंने 2 वीडियोस डाली थी, एक थी फुली ऑटोमेटिक नर्व गन और दूसरी वीडियो थी एक साइंस एक्सपेरिमेंट की, डीसी मोटर किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अमरजीत, राजीव गिरी, दर्श जावेरी, निकुंज मोदी, गौरव रॉय, हर्षित सिद्धार्थ, हित लिम्बाचिया, वनिका एंड आरव, मयंक यादव, जशन नहर, अर्जुन सिंह, शाहिद अली, परामिता दत्ता, सौरव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही माइक्रोस्कोप में से कौन सा वाला माइक्रोस्कोप अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मुझे तो ये वाला माइक्रोस्कोप काफी अच्छा लगा यार, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर जो लेंस यूज किया है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लेंस है। आप इसके अंदर जो भी चीज देखते हो बहुत ही परफेक्ट क्लियरली नजर आती है, पर इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये माइक्रोस्कोप काफी अच्छे से मैग्नीफाइंग कर लेता है चीजों पर क्लियरली आपको पिक्चर नहीं दिखाई देती है। अगर आप कुछ क्लियर और परफेक्ट करना चाहते हैं तो ये माइक्रोस्कोप आप जरूर से बाय कर सकते हो गाइस, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।